ನೋಡ್ ದೋಸ್ತ ಕೆಳ ಕೆಂಪನ್ಯೂ ಬರ್ತ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬರ್ತ ನಮೆಲ್ಲ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ತಾವ ದೋಸ್ತ ಬಂದಾಗಟನ್ ಮಾಡ ಮಾಡು ಹಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬರ್ತಾ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬರ್ತ ಬರ್ತಾವೆಲ್ಲ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಬಂದಾಗ ಬ್ಯಾರೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ತಾವ ನೋಡ ದೋಸ್ತ ಕೆಳ ಕೆಂಪ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ ಬಾಜು ಹಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬರ್ತಾ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬರ್ತಾ ನಮೆಲ್ಲ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಬಂದಾಗ ಬ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ತಾವ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಆರೋಗ್ಯಧಾಮ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯತೆ ಆಲ್ಸೈಮರ್ಸ್ ಪಾರ್ಕಿನ್ಸನ್ಸ್ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಪುನರ್ವಸತಿ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಮುಂತಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ವಾರದ ಎಲ್ಲಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಸುಂದರವಾದ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಧಾಮವು ಸ್ವಚ್ಛ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮವಾದ ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಶುಚಿಯಾದ ಊಟ ವಸತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ ಉತ್ತಮ ಪರಿಹಾರ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಆರೋಗ್ಯಧಾಮ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ ಕೆಂಗೇರಿ ಮೈಸೂರು ರೋಡ್ ಮತ್ತು ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ ಬಾನಸವಾಡಿ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ನೈನ್ ಫೋರ್ ತ್ರೀ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಅನದರ್ ನಂಬರ್ ನೈನ್ ಫೋರ್ ಏಟ್ ಟು ತ್ರೀ ಜೀರೋ ಟೂ ಸಿಕ್ಸ್ ನೈನ್ ಫೈವ್ कंडक्टर के रूप में इन्हें काम करते हुए मधु एनसी बस कंडक्टर विद बी एम टी सी स्टडी फाइव और स्टेली टू क्लियर यू पी एस सी सर्विस सिविल सर्विस एग्जाम ही जस्ट क्लियर द मेन्स एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू द इंटरव्यू ऑन ट्वेंटी फाइव मार्च को इनका इंटरव्यू है मधु एनसी एक उनतीस साल के बस कंडक्टर के रूप में काम करते हैं बेंगलुरु मेट्रोपोलिपोलिटियन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में और यू पी यू पी एस सी का इन्होंने प्री और मेन्स दोनों निकाले हैं बींग द फर्स्ट इन इस फैमिली अपनी फैमिली में पहले ऐसे एजुकेटेड थे जिन्होंने ये सपना देखा था और आज ये लगभग पूरा भी होने वाला है इन्होंने वर्ल्ड में सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम को जो है वो क्रैक किया है हैविंग क्लियर द यू पी एस सी प्री एग्ज़ाम जिन्होंने uh, जून में क्लियर किया था मधु क्लियर द मेन्स एग्ज़ाम हेल्ड इन अक्टूबर मेन्स एग्ज़ाम में आपके एस होता है चार जनरल स्टडीज पेपर होते हैं इंक्लूडिंग इंटरनेशनल रिलेशन इन्वायरमेंटल साइंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिटी इकोनॉमिक्स एंड एथिक्स एंड इंटैग्रिटी एंड एक ऑप्शनल सब्जेक्ट भी होता है कन्नडा लैंग्वेज में इन्होंने अपना प्री लिखा और उसके बाद मेन्स में एग्जाम में इन्होंने इंग्लिश में लिखा एनी सक्सेस स्टोरीज रिप्लीट विद फेलियर्स तो मधु के साथ भी हैड इज फर्स्ट फेयर शेयर ऑफ देम ही फेल्ड द कर्नाटका एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्ज़ाम जो 2014 में हुआ था उसमें ये फेल हो चुके थे बट यू इनका पहला अटैम्प्ट था इस फर्स्ट यू पी एस सी टू जो कि सक्सेसफुल नहीं रहा स्टिल द फेलियर वर नॉट एनफ टू डेंड हिज एस्पायरेशन तो उसके बाद में उन्होंने हार नहीं मानी और अपना एग्ज़ाम प्रिपेयर करते रहे मधु डे स्टार्टेड एट फोर सुबह चार बजे उठते हैं ही वुड फिनिश हाफ स्टडीज बिफोर वर्क काम शुरू करने से पहले ये अपना आधे से ज़्यादा जो स्टडीज़ का काम है वो कंप्लीट कर लेते हैं रेस्ट आफ्टर हिस जॉब रिगार्डलेस ही पुट इन फाइव आर्स डेली टुवर्ड्स आर्ट हिज ड्रीम उनका ये मानना था कि उनको अपनी जो पूरी आने वाली ज़िंदगी है वो इस तरह से एक बस कंडक्ट के रूप में नहीं गुजारनी है उसके लिए चाहे जो मर्जी इनको करना पड़े ओ देखिए हमारे जीवन में अवसर अपॉर्चुनिटीज़ हमें बार बार मिलती रहती हैं लेकिन मेन चीज़ ये है कि हमें अपने आप को उस काबिल बनाना है कि हम जो है आ, उस ऑपरचुनिटी को ले पाएँ अवसर ले पाएँ भगवान हर किसी को मौका देता है लेकिन भगवान को हमें कोसना बंद करके मेहनत की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो लोग प्रिपेयर करते हैं बट बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जो सीरियस होकर पढ़ाई करते हैं बहुत ही कम रेशो उसका होगा इसलिए आधे से ज़्यादा लोग प्री में छट जाते हैं और मेंस तक पहुंचते ही नहीं हैं आई ऑलवेज वॉन्ट टू अचीव समथिंग बिट इन लाइफ आई स्टार्टड वर्किंग अर्ली टू सपोर्ट माई फैमिली बट डेट डिडन स्टॉप मी फॉर्म स्टडिंग फर्दर तो मधु ने अपनी आ, बातों में कहा था उसने कोई कोचिंग नहीं ली मधु हैड टेकन नो कोचिंग एंड बिलीव सेल्फ स्टडी में उन्होंने विश्वास रखा है ऐसा बी एम टी सी के जो ऑफिशियल हैं सीनियर उनका कहना है और उन्होंने भी इनकी काफ़ी मदद की है इस आई एस एग्ज़ाम को क्रैक करवाने में नाउ ऑल द स्टैंड बिटवीन हिम एंड इस यू पी ड्रीम इज़ द इंटरव्यू जो कि 25 मार्च को होने वाला है और उनके जो बोस हैं मैनेजिंग डायरेक्टर जो हैं बी के सी शिखा उन्होंने उनकी शिक्षा उन्होंने काफ़ी उनकी मदद की है uh, इस एग्ज़ाम को एक तरीके से उनके गाइडेंस बने वो उनको गाइड किया और उनकी काफ़ी मदद की तो होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए और अपनी जो भी आपके गोल्स हैं उनको पूरा करने के लिए आप एक डेडिकेशन के साथ लग जाइए तो ज़रूर आपको सफलता मिलेगी क्योंकि सफलता जो है उन्हीं लोगों को मिलती है जो उसके लिए सीरियस होते हैं कभी नॉन सीरियस लोगों को सफलता नहीं मिलती वो सिर्फ एक किस्मत के भरोसे रह जाती है चीज और किस्मत के भरोसे अगर कोई बैठता है तो फिर उसे हमेशा की खानी पड़ती है समय बर्बाद के अलावा वो कुछ नहीं करता धन्यवाद बस कंडक्टर के रूप में इन्हें काम करते हुए मधु एनसी बस कंडक्टर विद बी एम टी सी स्टडी फाइव और स्टेली टू क्लियर यूपीएससी सर्विस सिविल सर्विस एग्जाम ही जस्ट क्लियर द मेन्स एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू द इंटरव्यू ऑन ट्वेंटी फाइव मार्च को इनका इंटरव्यू है माधु एनसी एक उनतीस साल के बस कंडक्टर के रूप में काम करते हैं बेंगलुरु मेट्रोपोलिपोलिटियन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन में और यू यूपी, यूपीएससी का इन्होंने प्री और मेंस दोनों निकाले हैं बीइंग द फर्स्ट इन इस फैमिली अपनी फैमिली में पहले ऐसे एजुकेटेड थे जिन्होंने ये सपना देखा था और आज ये लगभग पूरा भी होने वाला है इन्होंने वर्ल्ड में सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम को जो है वो क्रैक किया है हैविंग क्लियर द यू पी एस सी प्री एग्ज़्ज़्ज़ाम जिन्होंने जून में क्लियर किया था मधु क्लियर द मेन्स एग्ज़ाम हेल्ड इन अक्टूबर मेन्स एग्ज़ाम में आपके एस ए होता है चार जनरल स्टडीज पेपर होते हैं इंक्लूडिंग इंटरनेशनल रिलेशन इन्वायरमेंटल साइंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पोलिटिकनॉमिक एंड एथिक्स एंड इंटैग्रिटी एंड एक ऑप्शनल सब्जेक्ट भी होता है कन्नडा लैंग्वेज में इन्होंने अपना प्री लिखा और उसके बाद मेन्स में एग्जाम इन्होंने इंग्लिश में लिखा एनी सक्सेस स्टोरीज रिप्लीट विद फेलियर्स तो मधु के साथ भी हैड इज़ फर्स्ट फेयर शेयर ऑफ देम ही फेल द कर्नाटका एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्ज़ाम जो 2014 में हुआ था उसमें ये फेल हो चुके थे बट यू इनका पहला अटैम्प्ट था इस फर्स्ट यू पी एस सी अटैम्प्टन टू जो कि सक्सेसफुल नहीं रहा स्टिल द फेलियर वर नॉट इनफ टू डेंड हीज एस्पायरेशन तो उसके बाद में उन्होंने हार नहीं मानी और अपना एग्ज़ाम प्रिपेयर करते रहे मधुर डे एट फोर सुबह चार बजे उठते हैं ही वुड फिनिश हाफ स्टडीज बिफोर वर्क काम शुरू करने से पहले ये अपना आधे से ज़्यादा जो स्टडीज़ का काम है वो कंप्लीट कर लेते हैं रेस्ट आफ्टर इज जॉब रिगार्डलेस ही पुट इन फाइव आवर्स डेली टू वर्ड्स हिज ड्रीम उनका ये मानना था कि उनको अपनी जो पूरी आने वाली ज़िंदगी है वो इस तरह से एक बस कंडक्टर के रूप में नहीं गुजारनी है उसके लिए चाहे जो मर्ज़ी इनको करना पड़े ओ देखिए हमारे जीवन में अवसर अपॉर्चुनिटीज़ हमें बार बार मिलती रहती हैं लेकिन मेन चीज़ ये है कि हमें अपने आप को उस काबिल बनाना है कि हम जो है उस ऑपरचुनिटी को ले पाएँ अवसर ले पाएँ भगवान हर किसी को मौका देता है लेकिन भगवान को हमें कोसना बंद करके मेहनत की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो लोग प्रिपेयर करते हैं बट बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जो सीरियस होकर पढ़ाई करते हैं बहुत ही कम रेशो उसका होगा इसलिए आधे से ज़्यादा लोग प्री में छट जाते हैं और मेंस तक पहुँचते ही नहीं हैं आई ऑलवेज वॉन्ट टू अचीव समथिंग बिट इन लाइफ आई स्टार्टड वर्किंग अर्ली टू सपोर्ट माई फैमिली बट डेट डिडन स्टॉप मी फ्रॉम स्टडिंग फर्दर तो मधु ने अपनी आ, बातों में कहा था उसने कोई कोचिंग नहीं ली मधु हैड टेकन नो कोचिंग एंड बिलीव सेल्फ स्टडी में उन्होंने विश्वास रखा है ऐसा बी एम टी सी के जो ऑफिशियल हैं सीनियर उनका कहना है और उन्होंने भी इनकी काफ़ी मदद की है इस आई एस एग्ज़ाम को क्रैक करवाने में नाउ ऑल द स्टैंड बिटवीन हिम एंड दिस यू पी एस सी ड्रीम इज़ द इंटरव्यू जो कि पच्चीस मार्च को होने वाला है और उनके जो बॉस हैं मैनेजिंग uh, डायरेक्टर जो हैं बीएमटीसी के सी शिखा उन्होंने उनकी शिक्षा उन्होंने काफ़ी उनकी मदद की है इस एग्ज़ाम को एक तरीके से उनके गाइडेंस बने वो उनको गाइड किया और उनकी काफ़ी मदद की तो होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए और अपनी जो भी आपके गोल्स हैं उनको पूरा करने के लिए आप एक डेडिकेशन के साथ लग जाइए तो ज़रूर आपको सफलता मिलेगी क्योंकि सफलता जो है उन्हीं लोगों को मिलती है जो उसके लिए सीरियस होते हैं कभी नॉन सीरियस लोगों को सफलता नहीं मिलती वो सिर्फ़ एक किस्मत के भरोसे रह जाती है चीज़ और किस्मत के भरोसे अगर कोई बैठता है तो फिर उसे हमेशा मूँ की खानी पड़ती है समय बर्बाद के अलावा वो कुछ नहीं करता धन्यवाद ರು ಆರೋಗ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ತರಬೇತಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬಾಲಕಿಯರಿಗೆ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಸಹಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಹಳ್ಳಿಗಳು ಭಾರತದ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಪ್ರತಿಶತ ರಷ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಭಾರತವು ಪ್ರಗತಿ ಹೊಂದಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಭವಿಷ್ಯದ ಭಾರತದ ತಯಾರಕರು ಆಗಿರುವ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಬೇಕು ಈ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬಾಲಕಿಯರಿಗೆ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಸಹಾಯಕ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಈ ತರಬೇತಿಯ ಅವಧಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ವರ್ಷ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಮುಗಿದ ಕೂಡಲೇ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹುಡುಕುವ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿದೆ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅವಕಾಶ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಗಳು ಚಿಂತೆಗಳು ಮತ್ತು ದುಃಖಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅವರು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕಾರಣ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಂಗಾತಿಯೂ ಸಹ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರಾ ಮತ್ತು ಗೌರವದಿಂದ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾರಾ ಸಿದ್ಧಾಂತ ತರಗತಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ರಮೇಣ ಈ ಮೂವತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಡೇಜಿಂಗ್ ಹೊಲಿಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಇಸಿಜಿ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಪಲ್ಸ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಔಷಧಿಗಳ ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ ಪರಿಚಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಮೂವತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಊಟ ಮತ್ತು ವಸತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಹಾಗೂ ಸ್ಟೈಪಂಡ್ ಸಹ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಈ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉಚಿತ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ತರಬೇತಿ ಕೊಟ್ಟು ಉದ್ಯೋಗ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಏಟ್ ಸೆವೆನ್ ಡಬಲ್ ಟೂ ಫೈವ್ ಒನ್ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಫೈವ್ ನೈನ್ ಡಬಲ್ ನೈನ್ ಜೀರೋ ಒನ್ ಏಟ್ ಟೂ ಒನ್ ಫೋರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಫೈವ್ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನೀವು ನೋಡಿರೋದು ನ್ಯೂಸ್ ವಿತ್ ಕರ್ನಾಟಕ कंडक्टर के रूप में इन्हें काम करते हुए मधु एन बस कंडक्टर विद बी एम टी सी स्टडी फाइव और स्टेली टू क्लियर यू पी एस सी सर्विस सिविल सर्विस एग्जाम ही जस्ट क्लियर द मेन्स एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू द इंटरव्यू ऑन ट्वेंटी फाइव मार्च को इनका इंटरव्यू है मधु एन सी एक उनतीस साल के बस कंडक्टर के रूप में काम करते हैं बेंगलुरु मेट्रोपोलपोलिटियन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में और यू पी यू पी एस सी का इन्होंने प्री और मेन्स दोनों निकाले हैं बींग द फर्स्ट इन इस फैमिली अपनी फैमिली में पहले ऐसे एजुकेटेड थे जिन्होंने ये सपना देखा था और आज ये लगभग पूरा भी होने वाला है इन्होंने वर्ल्ड में सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम को जो है वो क्रैक किया है हैविंग क्लियर द यू पी एस सी प्री एग्ज़ाम जिन्होंने जून में क्लियर किया था मधु क्लियर द मेन्स एग्ज़ाम हेल्ड इन अक्टूबर मेन्स एग्जाम में आपके एस होता है चार जनरल स्टडीज पेपर होते हैं इंक्लूडिंग इंटरनेशनल रिलेशन इन्वायरमेंटल साइंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिटी इकोनॉमिक्स एंड एथिक्स एंड इंटैग्रिटी एंड एक ऑप्शनल सब्जेक्ट भी होता है कन्नडा लैंग्वेज में इन्होंने अपना प्री लिखा और उसके बाद मेन्स में एग्जाम uh, में इन्होंने इंग्लिश में लिखा एनी सक्सेस स्टोरीज रिप्लीट विद फेलियर्स तो मधु के साथ भी हैड इज फर्स्ट फेयर शेयर ऑफ देम ही फेल्ड द कर्नाटका एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्ज़ाम जो 2014 में हुआ था उसमें ये फेल हो चुके थे बट यू इनका पहला अटैम्प्ट था इस फर्स्ट यू पी इन 2018 टू जो कि सक्सेसफुल नहीं रहा स्टिल द फेलियर वर नॉट अनफ टू डेंड हिज एस्पायरेशन तो उसके बाद में उन्होंने हार नहीं मानी और अपना एग्ज़ाम प्रिपेयर करते रहे मधु डे स्टार्टेड एट फोर सुबह चार बजे उठते हैं ही वुड फिनिश हाफ स्टडीज बिफोर वर्क काम शुरू करने से पहले ये अपना आधे से ज़्यादा जो स्टडीज़ का काम है वो कंप्लीट कर लेते हैं रेस्ट आफ्टर इस जॉब रिगार्डलेस ही पुट इन फाइव आवर्स डेली टुवर्ड्स हिज ड्रीम उनका ये मानना था कि उनको अपनी जो पूरी आने वाली ज़िंदगी है वो इस तरह से एक बस कंडक्टर के रूप में नहीं गुजारनी है उसके लिए चाहे जो मर्जी इनको करना पड़े वो देखिए हमारे जीवन में अवसर अपॉर्चुनिटीज़ हमें बार बार मिलती रहती हैं लेकिन मेन चीज़ ये है कि हमें अपने आप को उस काबिल बनाना है कि हम जो है उस ऑपरचुनिटी को ले पाएँ अवसर ले पाएँ भगवान हर किसी को मौका देता है लेकिन भगवान को हमें कोसना बंद करके मेहनत की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो लोग प्रिपेयर करते हैं बट बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जो सीरियस होकर पढ़ाई करते हैं बहुत ही कम रेशो उसका होगा इसलिए आधे से ज़्यादा लोग प्री में छट जाते हैं और मेज तक पहुँचते ही नहीं हैं आई ऑलवेज वॉन्ट टू अचीव समथिंग बिट इन लाइफ आई स्टार्टिड वर्किंग अर्ली टू सपोर्ट माई फैमिली बट डेट डिडल स्टॉप मी फॉम स्टडिंग फर्दर तो मधु ने अपनी आ, बातों में कहा था उसने कोई कोचिंग नहीं ली मधु है टेकन नो कोचिंग एंड बिलीव सेल्फ स्टडी में उन्होंने विश्वास रखा है ऐसा बी एम टी सी के जो ऑफिशियल हैं सीनियर उनका कहना है और उन्होंने भी इनकी काफ़ी मदद की है इस आई एस एग्ज़ाम को क्रैक करवाने में नाउ ऑल द स्टैंड बिटवीन हिम एंड इस यू ड्रीम इज़ द इंटरव्यू जो कि 25 मार्च को होने वाला है और उनके जो बोस हैं मैनेजिंग डायरेक्टर जो हैं बी एम के सी शिखा उन्होंने उनकी शिक्षा उन्होंने काफ़ी उनकी मदद की है uh, इस एग्ज़ाम को एक तरीके से उनके गाइडेंस बने वो उनको गाइड किया और उनकी काफ़ी मदद की तो होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए और अपनी जो भी आपके गोल्स हैं उनको पूरा करने के लिए आप एक डेडिकेशन के साथ लग जाइए तो ज़रूर आपको सफलता मिलेगी क्योंकि सफलता जो है उन्हीं लोगों को मिलती है जो उसके लिए सीरियस होते हैं कभी नॉन सीरियस लोगों को... सफलता नहीं मिलती वो सिर्फ़ एक किस्मत के भरोसे रह जाती है चीज़ और किस्मत के भरोसे अगर कोई बैठता है तो फिर उसे हमेशा आ, खानी पड़ती है समय बर्बाद के अलावा वो कुछ नहीं करता धन्यवाद बस कंडक्टर के रूप में इन्हें काम करते हुए मधु एनसी बस कंडक्टर विद बी एम टी सी फाइव और स्टेली टू क्लियर यू पी एस सी सर्विस सिविल सर्विस एग्जाम ही जस्ट क्लियर द मेन्स एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू द इंटरव्यू ऑन 25 मार्च को इनका इंटरव्यू है मधु एनसी एक उनतीस साल के बस कंडक्टर के रूप में काम करते हैं बेंगलुरु मेट्रोपोलिपोलिटियन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में और यू यूपी, यूपीएससी का इन्होंने प्री और मेंस दोनों निकाले हैं बीइंग द फर्स्ट इन इस फैमिली अपनी फैमिली में पहले ऐसे एजुकेटेड थे जिन्होंने ये सपना देखा था और आज ये लगभग पूरा भी होने वाला है इन्होंने वर्ल्ड में सबसे टफेस्ट एग्जाम को जो है वो क्रैक किया है हैविंग क्लियर द यू पी एस सी प्री एग्ज़्ज़्ज़ाम जिन्होंने जून में क्लियर किया था मधु क्लियर द मेन्स एग्ज़ाम हेल्ड इन अक्टूबर मेन्स एग्ज़ाम में आपके एस से होता है चार जनरल स्टडीज पेपर होते हैं इंक्लूडिंग इंटरनेशनल रिलेशन इन्वायरमेंटल साइंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पोलिटिकनॉमिक्स एंड एथिक्स एंड इंटैग्रिटी एंड एक ऑप्शनल सब्जेक्ट भी होता है कन्नडा लैंग्वेज में इन्होंने अपना प्री लिखा और उसके बाद मेन्स में एग्जाम इन्होंने इंग्लिश में लिखा एनी सक्सेस स्टोरीज रिप्लीट विद फेलियर्स तो मधु के साथ भी हैड इज फर्स्ट फेयर शेयर ऑफ देम ही फेल द कर्नाटका एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्जाम जो 2014 में हुआ था उसमें ये फेल हो चुके थे बट यू इनका पहला अटैम्प्ट था इस फर्स्ट यू पी इन 2018 जो कि सक्सेसफुल नहीं रहा स्टिल द फेलियर वर नॉट इनफ टू डैंड हीज एस्पायरेशन तो उसके बाद में उन्होंने हार नहीं मानी और अपना एग्ज़ाम प्रिपेयर करते रहे मधु डे स्टार्टेड एट फोर सुबह चार बजे उठते हैं ही वुड फिनिश हाफ स्टडीज बिफोर वर्क काम शुरू करने से पहले ये अपना आधे से ज़्यादा जो स्टडीज़ का काम है वो कंप्लीट कर लेते हैं रेस्ट आफ्टर इस जॉब रिगार्डलेस ही पुट इन फाइव आवर्स डेली टुवर्ड्स हिज ड्रीम उनका यह मानना था कि उनको अपनी जो पूरी आने वाली ज़िंदगी है वो इस तरह से एक बस कंडक्टर के रूप में नहीं गुजारनी है उसके लिए चाहे जो मर्जी इनको करना पड़े देखिए हमारे जीवन में अवसर अपॉर्चुनिटीज़ हमें बार बार मिलती रहती हैं लेकिन मेन चीज़ ये है कि हमें अपने आप को उस काबिल बनाना है कि हम जो है उस ऑपरचुनिटी को ले पाएँ अवसर ले पाएँ भगवान हर किसी को मौका देता है लेकिन भगवान को हमें कोसना बंद करके मेहनत की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो लोग प्रिपेयर करते हैं बट बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जो सीरियस होकर पढ़ाई करते हैं बहुत ही कम रेशो उसका होगा इसलिए आधे से ज़्यादा लोग प्री में छट जाते हैं और मेंस तक पहुँचते ही नहीं हैं आई ऑलवेज वॉन्ट टू अचीव समथिंग बिट इन लाइफ आई स्टार्टड वर्किंग अर्ली टू सपोर्ट माई फैमिली बट डेट डिडन्ट स्टॉप मी फ्रॉम स्टडिंग फर्दर तो मधु ने अपनी आ, बातों में कहा था उसने कोई कोचिंग नहीं ली मधु हैड टेकन नो कोचिंग एंड बिलीव सेल्फ स्टडी में उन्होंने विश्वास रखा है ऐसा बी एम सी के जो ऑफिशियल हैं सीनियर उनका कहना है और उन्होंने भी इनकी काफ़ी मदद की है इस आई एस एग्ज़ाम को क्रैक करवाने में नाउ ऑल द स्टैंड बिटवीन हिम एंड दिस यू पी एस सी ड्रीम इज़ द इंटरव्यू जो कि पच्चीस मार्च को होने वाला है और उनके जो बॉस हैं मैनेजिंग uh, डायरेक्टर जो हैं बीएमटीसी के सी शिखा उन्होंने उनकी शिक्षा उन्होंने काफ़ी उनकी मदद की है इस एग्ज़ाम को एक तरीके से उनके गाइडेंस बने वो उनको गाइड किया और उनकी काफ़ी मदद की तो होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए और अपनी जो भी आपके गोल्स हैं उनको पूरा करने के लिए आप एक डेडिकेशन के साथ लग जाइए तो ज़रूर आपको सफलता मिलेगी क्योंकि सफलता जो है उन्हीं लोगों को मिलती है जो उसके लिए सीरियस होते हैं कभी नॉन सीरियस लोगों को सफलता नहीं मिलती वो सिर्फ़ एक किस्मत के भरोसे रह जाती है चीज़ और किस्मत के भरोसे अगर कोई बैठता है तो फिर उसे हमेशा मूँ की खानी पड़ती है समय बर्बाद के अलावा वो कुछ नहीं करता धन्यवाद ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಆರೋಗ್ಯಧಾಮ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯತೆ ಆಲ್ಸೈಮರ್ಸ್ ಪಾರ್ಕಿನ್ಸನ್ಸ್ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಪುನರ್ವಸತಿ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಮುಂತಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ವಾರದ ಎಲ್ಲಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಸುಂದರವಾದ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಧಾಮವು ಸ್ವಚ್ಛ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮವಾದ ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಶುಚಿಯಾದ ಊಟ ವಸತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ ಉತ್ತಮ ಪರಿಹಾರ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಆರೋಗ್ಯಧಾಮ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ ಕೆಂಗೇರಿ ಮೈಸೂರು ರೋಡ್ ಮತ್ತು ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ ಬಾನಸವಾಡಿ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ನೈನ್ ಫೋರ್ ಏಟ್ ತ್ರೀ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಟೂ ಸಿಕ್ಸ್ ನೈನ್ ಟೂ ಸಿಕ್ಸ್ ನೈನ್ ಫೈವ್ ನೈನ್ ಫೋರ್ के रूप में इन्हें काम करते हुए मधु एनसी बस कंडक्टर विद बी एम टी सी स्टडी फाइव और डेली टू क्लियर यू पी एस सी सर्विस सिविल सर्विस एग्जाम ही जस्ट क्लियर द मेन्स एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू द इंटरव्यू ऑन ट्वेंटी फाइव मार्च को इनका इंटरव्यू है मधु एनसी एक उनतीस साल के बस कंडक्टर के रूप में काम करते हैं बेंगलुरु मेट्रोपोलिपोलिटियन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में और यू पी यू पी एस सी का इन्होंने प्री और मेन्स दोनों निकाले हैं बींग द फर्स्ट इन इस फैमिली अपनी फैमिली में पहले ऐसे एजुकेटेड थे जिन्होंने ये सपना देखा था और आज ये लगभग पूरा भी होने वाला है इन्होंने वर्ल्ड में सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम को जो है वो क्रैक किया है हैविंग क्लियर द यू पी एस सी प्री एग्ज़ाम जिन्होंने जून में क्लियर किया था मधु क्लियर द मेन्स एग्ज़ाम इन अक्टूबर मेन्स एग्ज़ाम में आपके एस होता है चार जनरल स्टडीज पेपर होते हैं इंक्लूडिंग इंटरनेशनल रिलेशन इन्वायरमेंटल साइंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिटी इकोनॉमिक्स एंड एथिक्स एंड इंटैग्रिटी एंड एक ऑप्शनल सब्जेक्ट भी होता है कन्नडा लैंग्वेज में इन्होंने अपना प्री लिखा और उसके बाद मेन्स में एग्जाम में इन्होंने इंग्लिश में लिखा एनी सक्सेस स्टोरीज रिप्लीट विद फेलियर्स तो मधु के साथ भी हैड इज फर्स्ट फेयर शेयर ऑफ देम ही फेल्ड द कर्नाटका एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्ज़ाम जो 2014 में हुआ था उसमें ये फेल हो चुके थे बट यू इनका पहला अटैम्प्ट था इस फर्स्ट यू पी इन 2018 जो कि सक्सेसफुल नहीं रहा स्टिल द फेलियर वर नॉट एनफ टू डेंड हिज एस्पायरेशन तो उसके बाद में उन्होंने हार नहीं मानी और अपना एग्ज़ाम प्रिपेयर करते रहे डे स्टार्टेड एट फोर सुबह चार बजे उठते हैं ही वुड फिनिश हाफ स्टडीज बिफोर वर्क काम शुरू करने से पहले ये अपना आधे से ज़्यादा जो स्टडीज़ का काम है वो कंप्लीट कर लेते हैं रेस्ट आफ्टर हिस जॉब रिगार्डलेस ही पुट इन फाइव आवर्स डेली टुवर्ड्स हिज ड्रीम उनका ये मानना था कि उनको अपनी जो पूरी आने वाली ज़िंदगी है वो इस तरह से एक बस कंडक्ट के रूप में नहीं गुजारनी है उसके लिए चाहे जो मर्जी इनको करना पड़े देखिए हमारे जीवन में अवसर अपॉर्चुनिटीज़ हमें बार बार मिलती रहती हैं लेकिन मेन चीज़ ये है कि हमें अपने आप को उस काबिल बनाना है कि हम जो है आ, उस अपॉरचुनिटी को ले पाएँ अवसर ले पाएँ भगवान हर किसी को मौका देता है लेकिन भगवान को हमें कोसना बंद करके मेहनत की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो लोग प्रिपेयर करते हैं बट बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जो सीरियस होकर पढ़ाई करते हैं बहुत ही कम रेशो उसका होगा इसलिए आधे से ज़्यादा लोग प्री में छट जाते हैं और मेज तक पहुँचते ही नहीं हैं आई ऑलवेज वॉन्ट टू अचीव समथिंग बिट इन लाइफ आई स्टार्टड वर्किंग अर्ली टू सपोर्ट माई फैमिली बट दैट डिडन्ट स्टॉप मी फॉम स्टडिंग फर्दर तो मधु ने अपनी आ, बातों में कहा था उसने कोई कोचिंग नहीं ली मधु हैड टेकन नो कोचिंग एंड बिलीव सेल्फ स्टडी में उन्होंने विश्वास रखा है ऐसा बी एम टी सी के जो ऑफिशियल हैं सीनियर उनका कहना है और उन्होंने भी इनकी काफ़ी मदद की है इस आई एस एग्ज़ाम को क्रैक करवाने में नाउ ऑल द स्टैंड बिटवीन हिम एंड इस यू पी ड्रीम इज़ द इंटरव्यू जो कि 25 मार्च को होने वाला है और उनके जो बोस हैं मैनेजिंग डायरेक्टर जो हैं बी के सी शिखा उन्होंने उनकी शिक्षा उन्होंने काफ़ी उनकी मदद की है uh, इस एग्ज़ाम को एक तरीके से उनके गाइडेंस बने वो उनको गाइड किया और उनकी काफ़ी मदद की तो होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए और अपनी जो भी आपके गोल्स हैं उनको पूरा करने के लिए आप एक डेडिकेशन के साथ लग जाइए तो ज़रूर आपको सफलता मिलेगी क्योंकि सफलता जो है उन्हीं लोगों को मिलती है जो उसके लिए सीरियस होते हैं कभी नॉन सीरियस लोगों को सफलता नहीं मिलती वो सिर्फ़ एक किस्मत के भरोसे रह जाती है चीज़ और किस्मत के भरोसे अगर कोई बैठता है तो फिर उसे हमेशा की खानी पड़ती है समय बर्बाद के अलावा वो कुछ नहीं करता धन्यवाद बस कंडक्टर के रूप में इन्हें काम करते हुए मधु एनसी बस कंडक्टर विद बी एम टी सी स्टडी फाइव और स्टेली टू क्लियर यू पी एस सी सर्विस सिविल सर्विस एग्जाम ही जस्ट क्लियर द मेन्स एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू द इंटरव्यू ऑन ट्वेंटी फाइव मार्च को इनका इंटरव्यू है मधु एनसी एक उनतीस साल के बस कंडक्टर के रूप में काम करते हैं बेंगलुरु मेट्रोपोलिपोलिटियन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में और यू यूपीएससी का इन्होंने प्री और मेंस दोनों निकाले हैं बीइंग द फर्स्ट इन दिस फैमिली अपनी फैमिली में पहले ऐसे एजुकेटेड थे जिन्होंने ये सपना देखा था और आज ये लगभग पूरा भी होने वाला है इन्होंने वर्ल्ड में सबसे टफेस्ट एग्जाम को जो है वो क्रैक किया है हैविंग क्लियर द यू पी एस सी प्री एग्ज़्ज़्ज़ाम जिन्होंने जून में क्लियर किया था मधु क्लियर द मेन्स एग्ज़ाम हेल्ड इन अक्टूबर मेन्स एग्जाम में आपके एस ए होता है चार जनरल स्टडीज पेपर होते हैं इंक्लूडिंग इंटरनेशनल रिलेशन इन्वायरमेंटल साइंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिटी इकोनॉमिक्स एंड एथिक्स एंड इंटैग्रिटी एंड एक ऑप्शनल सब्जेक्ट भी होता है कन्नडा लैंग्वेज में इन्होंने अपना प्री लिखा और उसके बाद मेन्स में एग्जाम इन्होंने इंग्लिश में लिखा एनी सक्सेस स्टोरीज रिप्लीट विद फेलियर्स तो मधु के साथ भी हैड इज़ फर्स्ट फेयर शेयर ऑफ देम ही फेल द कर्नाटका एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्ज़ाम जो 2014 में हुआ था उसमें ये फेल हो चुके थे बट यू इनका पहला अटैम्प्ट था इस फर्स्ट यू पी एस सी अटैम्प्टन टू जो कि सक्सेसफुल नहीं रहा स्टिल द फेलियर वर नॉट इनफ टू डेंड हीज एस्पायरेशन तो उसके बाद में उन्होंने हार नहीं मानी और अपना एग्ज़ाम प्रिपेयर करते रहे मधुर डे एट फोर सुबह चार बजे उठते हैं ही वुड फिनिश हाफ स्टडीज बिफोर वर्क काम शुरू करने से पहले ये अपना आधे से ज़्यादा जो स्टडीज़ का काम है वो कंप्लीट कर लेते हैं रेस्ट आफ्टर इज जॉब रिगार्डलेस ही पुट इन फाइव आवर्स डेली टू हिज ड्रीम उनका यह मानना था कि उनको अपनी जो पूरी आने वाली ज़िंदगी है वो इस तरह से एक बस कंडक्टर के रूप में नहीं गुजारनी है उसके लिए चाहे जो मर्जी इनको करना पड़े और देखिए हमारे जीवन में अवसर अपॉर्चुनिटीज़ हमें बार बार मिलती रहती हैं लेकिन मेन चीज़ ये है कि हमें अपने आप को उस काबिल बनाना है कि हम जो है उस अपॉर्चुनिटी को ले पाएँ अवसर ले पाएँ भगवान हर किसी को मौका देता है लेकिन भगवान को हमें कोसना बंद करके मेहनत की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो लोग प्रिपेयर करते हैं बट बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जो सीरियस होकर पढ़ाई करते हैं बहुत ही कम रेशो उसका होगा इसलिए आधे से ज़्यादा लोग प्री में छट जाते हैं और मेंस तक पहुँचते ही नहीं हैं आई ऑलवेज वॉन्ट टू अचीव समथिंग बिट इन लाइफ आई स्टार्टड वर्किंग अर्ली टू सपोर्ट माई फैमिली बट डेट डिडन स्टॉप मी फ्रॉम स्टडिंग फर्दर तो मधु ने अपनी आ, बातों में कहा था उसने कोई कोचिंग नहीं ली मधु हैड टेकन नो कोचिंग एंड बिलीव सेल्फ स्टडी में उन्होंने विश्वास रखा है ऐसा बी एम टी सी के जो ऑफिशियल हैं सीनियर उनका कहना है और उन्होंने भी इनकी काफ़ी मदद की है इस आई एस एग्ज़ाम को क्रैक करवाने में नाउ ऑल द स्टैंड बिटवीन हिम एंड दिस यू पी एस सी ड्रीम इज़ द इंटरव्यू जो कि पच्चीस मार्च को होने वाला है और उनके जो बॉस हैं मैनेजिंग uh, डायरेक्टर जो हैं बीएमटीसी के सी शिखा उन्होंने उनकी शिक्षा उन्होंने काफ़ी उनकी मदद की है इस एग्ज़ाम को एक तरीके से उनके गाइडेंस बने वो उनको गाइड किया और उनकी काफ़ी मदद की तो होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए और अपनी जो भी आपके गोल्स हैं उनको पूरा करने के लिए आप एक डेडिकेशन के साथ लग जाइए तो ज़रूर आपको सफलता मिलेगी क्योंकि सफलता जो है उन्हीं लोगों को मिलती है जो उसके लिए सीरियस होते हैं कभी नॉन सीरियस लोगों को सफलता नहीं मिलती वो सिर्फ़ एक किस्मत के भरोसे रह जाती है चीज़ और किस्मत के भरोसे अगर कोई बैठता है तो फिर उसे हमेशा मूँ की खानी पड़ती है समय बर्बाद के अलावा वो कुछ नहीं करता धन्यवाद ರು ಆರೋಗ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ತರಬೇತಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬಾಲಕಿಯರಿಗೆ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಸಹಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಹಳ್ಳಿಗಳು ಭಾರತದ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಪ್ರತಿಶತ ರಷ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಭಾರತವು ಪ್ರಗತಿ ಹೊಂದಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಭವಿಷ್ಯದ ಭಾರತದ ತಯಾರಕರು ಆಗಿರುವ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಬೇಕು ಈ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬಾಲಕಿಯರಿಗೆ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಸಹಾಯಕ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಈ ತರಬೇತಿಯ ಅವಧಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ವರ್ಷ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಮುಗಿದ ಕೂಡಲೇ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹುಡುಕುವ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿದೆ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅವಕಾಶ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಗಳು ಚಿಂತೆಗಳು ಮತ್ತು ದುಃಖಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅವರು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕಾರಣ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಂಗಾತಿಯೂ ಸಹ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರಾ ಮತ್ತು ಗೌರವದಿಂದ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾರಾ ಸಿದ್ಧಾಂತ ತರಗತಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ರಮೇಣ ಈ ಮೂವತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಡೇಜಿಂಗ್ ಹೊಲಿಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಇಸಿಜಿ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಪಲ್ಸ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಔಷಧಿಗಳ ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ ಪರಿಚಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಮೂವತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಊಟ ಮತ್ತು ವಸತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಹಾಗೂ ಸ್ಟೈಪಂಡ್ ಸಹ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಈ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉಚಿತ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ತರಬೇತಿ ಕೊಟ್ಟು ಉದ್ಯೋಗ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಏಟ್ ಸೆವೆನ್ ಡಬಲ್ ಟು ಫೈವ್ ಒನ್ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಫೈವ್ ನೈನ್ ಡಬಲ್ ನೈನ್ ಜೀರೋ ಒನ್ ಒನ್ ಫೋರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಫೈವ್ ನೀವು ನೋಡಿರುವುದು ನ್ಯೂಸ್ ವಿತ್ ಕರ್ನಾಟಕ